से खोजत रही थन। आज जब मैं यहाँ आवत रहे किशोरा तो रायपुर पहुंचे देखे एक जन कॉलेज के टूरा अपन प्रेमिका का नाम लग गोदना वाले मेरा अपन हाथ में लिखवावत रहा और भे 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 रोवत रहा है। मैं वो टूरल खिसिया जब पीरल से है नहीं सका तब गोदना काबर लिखवावा था वो टूरा मोर पर भड़क गए। मैं पीरक नाम ले थोड़े रोवा था तब काबर रोवा था अरे स्पेलिंग लग गलत लिख दी थी मैं क्या कैसे अरे मैं जिन टूरी सो प्यार करता हूँ कर कामनी ना है ये कमीनी लिख दी थी ऐसे होवत रीति। अभी तो मैं कवि सम्मेलन में गे रहा हूँ बाग बहरा कुती तो अति ले जब हम रेलगाड़ी में आवत रहन तो वो डब्बा में देखे चार पांच जन महिला मन ऐसे ऐसे घास रात रहा मैं के मन का घसर थे तब बताई जी रामदेव बाबा की योगा है के मैं के ये कर ले का होते तो कहते एक अर से बाल झड़े नहीं बाल और घना होते। एक जन बहनी मूड़ का ला ढाके चुप बैठे रहा है मैं के कस बहनी तह नहीं घास रात तो कहते मैं हूँ घास रात रहे भाई ज्यादा घसर पर तो रोगा डाढ़ी में अच्छा जाम गए कहते ये सब ऐसे होवत रहते। ये तो अभी सच्चा बात बतावा तो आज जब हम यहाँ आए ना तो नया पारा के बस स्टैंड में मोर एक जन दोस्त के हाटल हवा तो मैं आज मैं जब मोर दोस्त मेरे के तो दोस्त नहीं रही से वकर नौकर मन रही होटल में तो मैं वो मतलब पूछे जैसे कि तू हर सेठ नहीं रहा है ते बड़े बड़े गुलाब जामुन रसगुल्ला देखता तो ऐसे शौक नहीं लगा दो चार ठन खा लेते कैसे तो शौक लागते फिर सेठ कोनो कुती जाते गन के जा रही थी खाए नहीं सकन चिचोर भर लेथन तो फिर रख देथन कहके तो ऐसे सब होवत रहते। और मैं एक छोटे से गांव से आए मैं आप मतलब बता देना चाहूँ पढ़े लिखे नहीं आओ लेके रहे तो महू शौक लागे कस के पढ़ते हूँ लिखते हूँ कहके दो चार दिन गए स्कूल एक दिन गुरुजी गणित पढ़ावत रहा के थे छयव दू कत का होते हम बोकर बोकर देखा रहा गुरुजी की ही छयव दू कत का होते मैं के नहीं जानन गुरुजी तो गुरुजी बताई छयव दू आठ होते अब हम जान डरेंगे छय दू आठ होते दूसरैया दिन वही गुरुजी कहत पाँच और तीन आठ होते मैं कि अरे काली छयव दू आठ होते कि हिसाब तीसरैया दिन तो वह गुरुजी मोर दिमाग खराब कर दी कहा थे चार और चार आठ होते मैं के अरे पढ़ाई उढ़ाई नहीं आवा स्कूल आना बेकार है कि मैं स्कूले जाए छोड़ दे आप सब ना मोर चुंदी के बात करत रही मिश्रा जी हाँ तो मैं आप सब ला बता देता हूँ हाले के मोर चुंदी पाक गए है पर मैं जत का डोकरा दिखत हूँ उत का डोकरा नहीं हूँ। मैं छत्तीसगढ़ के सबसे युवा कवि हूँ मोलत कई पैत मीर भैया कहते तोर चुंदील करिया करवा ले रे तोर चुंदील करिया कर पर सफेद है कत का फायदा ही मतलब पता नहीं काबर ये सब हमारे ये नवयुवक साथी मन जानते काबर जब नव हमारे नवयुवक साथी मन जब बस में सफर करते और सीट में बैठे रही ना आधा सीट कहूँ खाली रही तब हो वो सीट में कोनो लड़की मन बैठना पसंद नहीं करा और हमारे चुंदील पक्का देखते तो हमारे संग कोनो आग बैठ जाते फिर अब मोर यूहू कोशिश फाक पड़े धले फिर अब मोर यूहू कोशिश फाक पड़े धले है जब ले रामपाल आसाराम वाला केस हो है आदमी अब पक्का चुंदी वाले ऊपर ज्यादा शक करे धले है ये सब होवत रहते। मैं ज्यादा चुटकीला नहीं सुना मन से जोड़े के कोशिश करे मैं आप मतलब कविता के ओर ले चलता हूँ काबर के मैं हाथ से के कवि हूँ और केवल हंसवाए कोशिश करूँ। अब युवा साथी मन पर मैं कविता पहली बोहनी करता हूँ जहाँ तक के प्यार मोहब्बत के बात हो काबर हम युवा कवि जी प्यारे मोहब्बत के का बात बताब तो प्यार मोहब्बत के बात होते तो मैं प्यार में विश्वास नहीं करब काबर के प्यार लिखबे पहली अक्षर आधारित है अब आधा कतेक विश्वास करबे पर ऐसने गलती मोरो सो एक बार होगी ऐसने गलती मोरो सो एक बार होगे एक झन जग जग ही मुँह टूरिल मोल प्यार होगी ऐसने गलती मोरो सो एक बार होगे एक झन जग जग ही मुँह टूरिल मोल प्यार होगे दिन भर वो करे सुरता आवा घर के मन तो मोल फूटे आँखी में नहीं सुहावा एक दिन रात के सूते रहा नींदे नहीं पड़े वो देखे पर मोर जीव तहाँ ठाँ करे मैं वो मोबाइल निकाले वो फोन लगाए और भेंट करे पर आवत हूँ कहीं ओल खोर पर बलाए और लकर धकर निकल गए काबर मोलत एक नजर देखे पड़े रहे और उनकर घर तीर मगे दुआरी माखुर मलत ओकर ददक खड़े रहा
मैं कले चुपला हुट के उत्तर धुरा भागे और भागत भागत अंधियार में घुरुआ में बोझ आ गए। मोर हो सुड़ गए घुरुआ बज बजावत रहा मां टोटा कावत ले बुड़ गए। अकर जकर देखे अकर जकर देखे तो घुरुआ तीर में बेशरम जामे रहा। मैं कह बन गए वही बेशरम ला धर के निकलत रहा तीर में आए हुआ साले बेशरम उखन गए। मैं कह अच्छा फंस गए एकर मैं चक्कर मत मैं घुरुआ में धस गए। लेख देख कैसनो करके निकले मार चोरो बोरो चुचवावत रहा और घुरुआ ज्यादा मैं खुदे बसावत रहा। ले देख निकले चोरो बोरो चुचवावत रहा और घुरुआ ज्यादा मैं खुदे बसावत रहा। मैं कह अब ये स्थिति में घर कैसे जाऊं ते कले जात हूँ पहली तरियल नहा कहूँ ऐसे कई तरिया कुती जात रहा। फिर मोर किस्मत मोल यू मेर पेट दीच कति लाख साले तीन चार ठन कुकुर मन घेर लीच। मैं दूर रे कहते रहा भूके लाग गए कुकुर के यार रोल पे तो पारा के मन जाग गए। अब मोला करिया करिया देखी तो चोर चोर देखी यहाँ कुदाइन पल्ला भागे तब होल घेर के मोल कूट कूट ले ठठाइन मार के मारे बिचेत हो गए। मोर हो सुड़ा गए अब मोर हालत ला देखी तो सब जन सट सट आ गए। कोनो कहा पुलिस ला बुलावा तो एक जन कहते अरे ये रेंग दी पहले छींचे बार पानी लावा कुछ एक बाल्टी पानी लाग मोर ऊपर गदगद ले डार दिन मोर जम्मो चिखला धोआ गए और मोर मुंह काला देखी तो सब जन तीर आ गए। हो सही तो देखे हमार घर ठकुरैन तीर में बैठे रोवत हो सही तो देखे हमार घर ठकुरैन तीर में बैठे रोवत है। मैं कह कैसे का हुआ थे कि इसमें हूँ एक टन बहुत बड़ गलती कर डरे हूँ। मैं कह का सब ला मारत देखे दो चार थपरा मऊ मार पड़े सब ला मारा देखे दो चार थपरा मोह मार पड़े हो। फिर अपन बाई के मोर ऊपर माया देख के मोर अंतर आत्मा जाग गए। अब वो दिन ले मोर भीतरी ले माया भूत भाग गए माया भूत भाग गए माया भूत भाग गए। एक कविता आप सब ला सादर समर्पित मैं अपने ऊपर लेके कविता सुनावा था चुंदी बात करत रही तो जैसे जैसे मोर उमर डोकरा हो बार भागे लागी जैसे जैसे मोर उमर डोकरा हो बार भागे लागी मुलो कैसे आए बाएं लागे लागी जैसे जैसे मोर उमर डोकरा हो बार भागे लागी मुलो कैसे आए बाएं लागे लागी। सुता छटपटिया मावाए ले देखनी पड़ती तानी बानी सपनावाए कभू रानी मुखर्जी कभू प्रियंका चोपड़ा। जैसे जैसे मोर उमर डोकरा हो बार भागे लागी मुलो कैसे आए बाएं लागे लागी सुतो छटपटी अमावय ले देख नींद पड़ती तानी बानी सपनावय कभू रानी मुखर्जी कभू प्रियंका चोपड़ा और हंस के कहा आई लव यू डोकरा। सुतो छटपटी अमावय ले देख नींद पड़ती तानी बानी सपनावय कभू रानी मुखर्जी कभू प्रियंका चोपड़ा और हंस के कहा आई लव यू डोकरा। और एक दिन तो मोर सपना में जूही चावला आ एक दिन मोर सपना में जूही चावला आ गए और मोल एकदम हैंडसम देखी तब बक बक आ गए। एक दिन मोर सपना में जूही चावला आ गए और मोला एकदम हैंडसम देखी तहाँ बक बक आ गए। कैसे चलना कोनो कुतिल घूम के आते कहीं भी साग धर ले थन कोनो मेर बैठ के खाते। मैं कह चल ऐसे कई अपन फटफटी में बैठा रहे और गाड़ी चालू करत हूँ कई कीक मारे। अरे मोर सपना यही मेरा ध्या गे कस के कीक मारे साले खटिया खुरा फेंका गे। मोर सपना यही मेरा ध्या गे कस के कीक मारे साले खटिया खुरा फेंका गे। पार्टी घलो टूट गए चर रस ले मैं भूया में गिर गया भर रस ले धरा रपटा उठात रहा ठकरा से माथा में लाग गए जोर से चीरे टूरिक दाई जाग गए। धरा रपटा उठात रहा ठकरा से माथा में लाग गए जोर से चीरे टूरिक दाई जाग गए। देखी तक यहाँ का तमाशा है वो देखी तक कही चाह हाँ यहाँ का तमाशा है वो आए गाँव बसेरी में हमार नाक ला कटवावा था सरी दिन के घूर घूर रहते अब सकृति देखावा था। देखी तो कही अई हाँ यहाँ का तमाशा है वो गाँव बसेरी में हमार नाक ला कटवावा था सरी दिन के घूर घूर रहते अब सकृति देखावा था। वो कौन भाई बाप खैबर एकर छाती टूटा थे ते बूढ़त काल में आसाराम लौटा थे ओकर बात समझावत कहिस के देखाओ जी
हमरो घर में बहु बेटी है, समझावत कहिस के देखा जी हमरो घर में बहु बेटी है, कहूँ कोनो दूसर तोर घर के बहु बेटी ऊपर नजर लगाही तो बता तोला कत का पंजा ला। समझावत कहिस, समझावत कहिस के देखा जी हमरो घर में बहु बेटी है, कहूँ कोनो दूसर तोर घर के बहु बेटी ऊपर नजर लगाही तो बता तोला कत का पंजना ही, ओकर गोठ मोर अंग अंग में बगर गे, मोर आँखी टकटक ले उघर गे, मैं सोचे लगे सही में हमार देश में अच्छा दिन कब आही, मैं सोचे लगे सही में हमार देश में अच्छा दिन कब आही, ठकुरैन के थे अच्छा दिन कब आही, अरे अच्छा दिन काल आही, जब तुम दूसर के बहु बेटी की इज्जत करू तब तोरो घर के बहु बेटी इज्जत पाई, तब ये देश में जरूर अच्छा दिन आही, तब ये देश में जरूर अच्छा दिन आही। एक कविता आप सब सादर समर्पित, पिए खाए बात करत रही भाई राठौर जिला, मैं एक कविता आप सब यही यहीं से प्रस्तुत करना चाहूँ, तो मैं हर मंच में कहता हूँ दारू नहीं पीना चाहिए, किके ऐसे बात नहीं है मैं नहीं पिया हूँ, तेकर से ती कहता हूँ पहले मऊ पियत रहे फिर आप छोड़ दें, चुनाव समय बातें हैं और ऐसे नहीं है, पीने वाले मन हमेशा गलत रहते। एक तो अभी मोला एक महीना पहले एक कवित्री है नंद दुबे जी, ये मोला कवि सम्मेलन में मिली, एकदम एक देखे तो मूल निम्दा वो थारे ना है, मैं क्या कैसे आज एकदम उदास दिखता, तो ये बताइए मैं अपन मिस्टर के मारे परेशान हो गई, वो रोज पी के आते रोज पी के आते, कैसे वो कर दारू छूटे के, मैं केवल मोर से मुलाकात करावे की, ओला एक कविता सुनाए वो दिन ले वो दारू पिए छोड़ दी, तेन दिन ले ये वो कर ले ज्यादा मोर बरमाया करते, अरे एमा हंसे वाला का बात है यार, आप सब जाना था छत्तीसगढ़ के महिला अपन आदमी से भी ज्यादा अपन भाई बरमाया करते, और एक बात वो बता देता हूँ, हमारे छत्तीसगढ़ में एक ठो कहावत है कि मैके के कुकुर अमोल के, एकर मतलब ये नहीं कि वो मोल कुकुर टाइप के मानते, अपन भाई का मानते। ये कविता आप सब ला सादर समर्पित, मैं जब भी दारू पी घर काबर छोड़े तेल बताओ था, मैं जब भी दारू पी घर आवाओ भगवान जाने काबर ती अक्सर धोखा खाव, मैं जब भी दारू पी घर आवाओ भगवान जाने काबर ते अक्सर धोखा खावाओ, एक दिन इसने पी पाक रात का ना है अपन दुआरी छोड़ दे पड़ोसी सक्रिल खट खट, एक दिन इसने पी पाक रात का ना है अपन दुआरी छोड़ दे पड़ोसी सक्रिल खट खट आए, पड़ोसी उठीच कपाड़ तो खुल गए अपन तेन जाग कले चुप सूद गए, भीतरी में खुश रहे कुलूपन ध्यार मैं कहूँ डार्लिंग चिमनील बार, भीतरी में खुश रहे भीतरी में खुश रहे कुलूपन ध्यार मैं कहूँ डार्लिंग चिमनील बार, वो मोरे पर भन्ना गे वो मोरे पर भन्ना गे कि इस रात बिकाल के अच्छा सो मिजाज देखा था चिमनील बारे बार हेतक खुदे बार मोर सो फोकट नखरा झन मार, मैं कहूँ देख भाई मैं कहूँ देख भाई तय नान नान बात में ज्यादा झन चिचियाए कर, और कभूत बने मोर सो मया करके गोठियाए कर, मोला देख मैं तोर बर कतका मया करता हूँ, तोरे बर जिया था तोरे बर मरता हूँ, वो कहीं से नहीं लगा भारी मया करा था तेकर से तित कमा कमा मोरे खिसम धरा था, ऐसे कह पड़ोसी अंधियार में मोला अपने गोसैया समझ के धुना था, पड़ोसी अंधियार में मोला अपने गोसैया समझ के धुनत रहा है, अब वो पाले खड़े खड़े हमार घर ठाकुर सब सुनत रहा है, पड़ोसी अंधियार में मोल अपने गो सैया समझ के धुनत रहा है, और वो पाले खड़े खड़े हमार घर ठकुरैन सब सुनत रहा, ठकुरैन भी फड़ गए पड़ोसिन बन लड़े लगी, वह रानी पानी में उतर गए कैस नकटी शरम नहीं है दूध का धोए गोठिया था और पर के गो सैया तेल अपन घर वाला था, तैसने यू मोला की हिच तैसने यू रात बिकाल के पीपा कावा थे, घर में जांगर नहीं चले दूसर लमाया देखावा थे, चल चल घर में खाबे कत का तोर माया पल पलावा थे तो हम अल्लाह देखाबे, मैं देखे ठकुरैन के गुस्सा मार आगी कस भर गे तैने पतियाबे गईमान मोर नशा वोत के बेर उतर गे, मैं देखे ठकुरैन के गुस्सा मार आगी कस भर गे तैने पतियाबे गईमान मोर नशा वोत के बेर उतर गे, घर में जाग सुते चद्दर लवोढ़ ले वो दिन ले कान चिपके दारू पियल छोड़ दे दारू पियल छोड़।